तो आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता लगने के साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं, तो माथापच्ची शुरू हो चुकी है टिकटों के बंटवारे को लेकर। तो वहीं कांग्रेस भी अब अपनी रणनीति में जुट गई है। यही वजह है कि कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जल्द ही उत्तराखंड आने वाले हैं, लेकिन प्रशांत किशोर से पहले उनकी 6 सदस्यों की टीम राज्य में पहुंच चुकी है और अब ITSEL के साथ मिलकर काम कर रही है। जी हाँ, अब उत्तराखंड की कमान संभालने जा रहे हैं प्रशांत किशोर, जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ मिलकर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो पहले नरेंद्र मोदी, उसके बाद बिहार में उन्होंने कमान संभाली और इस बार कांग्रेस के साथ जुटे हैं, तो यहां उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने में लगे हैं और इसी के साथ साथ अब उत्तराखंड की कमान भी प्रशांत किशोर संभालने जा रहे हैं। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की रणनीति उसको जरूर फायदा पहुंचाएगी, लेकिन ऐसे में जबकि खतरा पार्टी के अंदर से ज्यादा हो, पार्टी में ही मुख्यमंत्री का लगातार विरोध हो रहा हो, तो ऐसे में प्रशांत किशोर के ऊपर भी दोहरी चुनौती होगी। पहली चुनौती कि घर के अंदर के कलह को खत्म करें, दूसरी चुनौती ये कि विपक्षी दल BJP जो कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर हमलावर है, उसे कैसे रोका जाए या फिर माकूल जवाब दिया जाए। तैयारी हमारी पूरी है, टीमें हमारी सक्रिय हो चुकी हैं, जल्दी हम एक आध दो दिन में पूरी जो प्रदेश की टीम है उनको यहाँ बुला करके सबको निर्देश दिए जाएंगे, अपने अपने क्षेत्रों में किस प्रकार काम करना है, अपने अपने विधानसभाओं में किस प्रकार काम करना है। इसी में क्रम में दिल्ली से हमारे साथ PK जी आ रहे हैं, वो भी हमें निर्देशित करेंगे, थोड़ा सा गाइडेंस उनसे हमें मिलेगी किस प्रकार से हम जो है अपनी बातें रख सकते हैं और जो BJP का दुष्प्रचार है उसको हम किस प्रकार अपना जवाब दें, इस क्रम में हम लोग लगे हुए हैं। और प्रशांत राय हमारे संवाददाता हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। तो प्रशांत, अब PK रणनीति तय करेंगे उत्तराखंड की भी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन लोग आ चुके हैं, प्रशांत किशोर कब आने वाले हैं, उसके बाद आगे किस तरह से यहां पर सारे कार्यक्रम होंगे। जी प्रशांत, आपको आवाज मिल रही है हमारी, है कि एक दो दिनों में प्रशांत किशोर देहरादून आएंगे और यहां पर वो मुख्यमंत्री हरीश रावत, PCC अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और अन्य पदाधिकारियों के साथ वो चर्चा करेंगे। जी प्रीति, और जिस तरह से प्रशांत किशोर के आने की सूचना मिली है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कहीं ना कहीं उनमें असंतोष आ रहा है। कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत के पास एक बड़ा अनुभव है, PCC अध्यक्ष किशोर उपाध्याय अनुभवी नेता हैं, ऐसे में प्रशांत किशोर को यहां भेजे जाने का क्या औचित्य है, कहीं ना कहीं असंतोष को बढ़ावा दे रहा है कांग्रेस आला कमान का ये फैसला। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जल्दी ही प्रशांत किशोर यहां पर आएंगे, वो रणनीति को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर के जाने के बाद वहां के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं में असंतोष की भावना गई, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी ये चीज देखने को मिल सकती है। हालांकि इन तमाम बातों के बीच ये बात साफ है कि प्रशांत किशोर जल्दी ही उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और वो मुख्यमंत्री हरीश रावत और PCC अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के साथ बैठक करके आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। जी प्रीति, चलिए प्रशांत आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि चुनौती बहुत बड़ी है। पहली बात तो कि आप सत्तारूढ़ में है, वैसे ही सत्ता के खिलाफ यहाँ पर लहर रहती है, लेकिन सत्ता में रहते हुए जो काम किए वो खुद बहुत नुकसानदायक साबित होने वाले कांग्रेस के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे BJP का, मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। आचार संहिता लगने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हरीश रावत ने अपने आवास पर, उसको लेकर BJP यहाँ पर अपना कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है। BJP का कहना है कि शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को गुमराह किया है। विनय गोयल ने कहा कि आयोग के हस्तक्षेप के बाद भी से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखी है, आयोग को गलत जानकारी दी है। BJP प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा है कि वो चुनाव आयोग से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और साथ में उनसे ये भी मांग करते हैं कि पूरी तरीके से राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। अगर इसी तरह मुख्यमंत्री का रवैया रहा तो इससे निष्पक्ष चुनाव पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी और उनके टीम जो इसकी दोषी हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये तो शुरुआत है। अगर अभी हमने इस पर चेक नहीं लगाया तो पूरा चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने में निकल जाएगा और फ्री एंड फेयर पोल की कल्पना केवल एक कल्पना ही रह जाएगी। और प्रशांत का हम रुख करेंगे, हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। तो प्रशांत, आचार संहिता लागू हुई तो उल्लंघन के मामले भी बढ़ रहे हैं, अगर ये कहें कि श्री गणेश खुद मुख्यमंत्री ने ही किया तो गलत नहीं होगा, BJP इस मसले को लेकर लगातार हमलावर है।
बिल्कुल प्रीति, देखिए लगातार बीजेपी हमलावर है, भाजपा के नेता लगातार दो दिनों से प्रदेश सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, और आज फिर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना है कि जब आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो अपनी उपलब्धियां मीडिया को गिना रहे थे, उस समय उन्होंने सीधा प्रसारण टीवी पर देखा और आयोग से इसकी शिकायत की। आयोग की तरफ से निर्देश गया मुख्यमंत्री आवास पर कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास द्वारा ये जानकारी दी गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी गई है, लेकिन उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रही। इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि जब निर्देश के बावजूद मुख्यमंत्री आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं और बयान ये दे रहे हैं कि वो खुद भी पालन करेंगे, उनके मंत्रियों को भी कहेंगे पालन करने के लिए, लेकिन खुद वो पालन कर नहीं रहे हैं, उनके नाम के पत्थर लगाए जा रहे हैं आचार संहिता लगने के बाद भी बैक डेट में नियुक्तियां कर रही हैं, तो ये तमाम मामले हैं जिनको लेकर बीजेपी का कहना है कि अब कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, वरना आगे भी इसी तरह के उल्लंघन होते रहेंगे और निष्पक्ष चुनाव होना बहुत मुश्किल होगा प्रदेश में। बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहे हमारे साथ। यही एक अहम मांग है बीजेपी की, अगर निष्पक्ष चुनाव करवाने हैं राज्य में तो कार्रवाई हो मुख्यमंत्री के खिलाफ। और उससे भी बड़ी मांग बीजेपी की एक और है कि जो मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारी हैं उनका चुनाव से पहले तबादला किया जाए। और अपनी इसी मांग को लेकर बीजेपी के नेता विजय बहुगुणा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मिलने गया और वहां हरीश रावत की शिकायत की है। तो सीएम हरीश रावत के खिलाफ नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारियों को जो करीबी और चहेते हैं ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की है मुख्यमंत्री हरीश रावत ने, जो चुनाव में उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में राज्य में निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है कि ऐसे अधिकारियों का तबादला किया जाए। तो विजय बहुगुणा इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे, जो यहां पर बाकी बीजेपी नेताओं के साथ गए और कहा कि अधिकारियों के तबादले जल्द से जल्द कराए जाए। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की मुलाकात हुई है विजय बहुगुणा की अध्यक्षता में। बहुगुणा जी, इलेक्शन कमीशन में आप गए, क्या कुछ रहा आज आपका? देखिए, कुछ बातें हम लोगों जो चुनाव से की हैं उसको तो सार्वजनिक नहीं करूंगा, और वो इस आशय की हैं कि किस तरह से निष्पक्ष चुनाव हो और जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो है वो उन पर थोड़ा सा अंकुश लगे। दूसरी बात यह है कि आचार संहिता लगने के ठीक पहले इन्होंने अपराधी है उसको 302 में सजा काटा था, उसको पैरोल दे दिया, खाली इसलिए कि एक दहशत का माहौल फैल सके इनकी विधानसभा में, और दूसरा कि जो लाइसेंसेस हैं जिनके पास, जिनको अपने जीवन या सुरक्षा का खतरा है, उनके लाइसेंसेस जमा ना किए जाएं। कुछ अधिकारियों के विषय में भी चर्चा की है, और हम सब चाहते हैं कि वहाँ निष्पक्ष चुनाव हो और उत्तराखंड की जो राजनीति उसमें प्रदूषण ना हो। प्रणव सिंह चैंपियन जी भी हमारे साथ हैं। चैंपियन जी, अगर बात की जाए आपकी, जिस तरीके से आपके ससुर के हत्यारे को पेरोल पे छोड़ा गया, उससे पहले आपके ऊपर भी हमले करने की कोशिश की थी, महल को जलाने की कोशिश की गई थी, किस तरीके से देख रहे हैं हरीश रावत सरकार को? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत जी, उनका फंक्शनिंग बड़ा ही एक षड्यंत्रकारी और एक विनेडिक्टिव रहा है, बदले की भावना से काम किया है। जिस तरह से वो नुकसान पहुंचाने वाले अपनी कार्य प्रणाली कर रहे हैं वो नियम विरुद्ध है, उसी के विरुद्ध आदरणीय बहुगुणा जी आए थे और मैं साथ आया था। विजय बहुगुणा ने मुख्य तौर से दो तीन मांगे उठाई है, तबादला किया जाए जो की पोस्टिंग पर। हरीश रावत ने अधिकारियों को आचार संहिता से ठीक पहले बिठाया गया था, पेरोल का मुद्दा उठाया गया है और शंकाएं जताई गई कि किस तरीके से राज्य सरकार अपने पुराने इकबाल का इस्तेमाल आचार संहिता के अंदर भी कर सकती है। चुनाव आयोग से कैमरामैन हरीश शर्मा के साथ राहुल डबास, समाचार प्लस के लिए। प्रशांत के रुख करेंगे तो प्रशांत, मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत ने अपने चहेते अधिकारियों को उनके पद पर बनाए रखने के लिए क्या कुछ किया ये हम सब जानते हैं, उनसे भी फायदा लिया, उनको भी फायदा पहुंचाया और एक बार फिर से यही कोशिश होगी, तो ऐसे में बीजेपी की चिंता जायज है जिसकी शिकायत आज इलेक्शन कमीशन में की गई? बिल्कुल प्रीति, देखिए जो भी मुद्दे बीजेपी उठा रही है वो कहीं ना कहीं सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनके कारण सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो लकड़पाला का मुद्दा हो, चाहे वो पेरोल पर अन्य अपराधियों को छोड़ने का मामला हो, या फिर चहेते अधिकारियों की तैनाती का। निश्चित रूप से जिस तरह से पाल सिंह उर्फ लकड़पाला
कुंवर प्रणव चैंपियन के ससुर की हत्या के आरोप में सजा काट रहा था, वो कोई आरोपी नहीं था, वो सजा काट रहा था और उसे पेरोल दी गई कृषि कार्य के लिए, तो निश्चित रूप से बीजेपी को यह मौका मिला है सवाल उठाने का कि एक हार्डकोर क्रिमिनल को क्यों चुनाव के समय कृषि कार्य हेतु दे दिया गया है पेरोल। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनका एन आचार संहिता लगने से पहले तबादला किया गया, उन्हें पोस्टिंग दी गई, उनको लेकर के भी बीजेपी की आपत्तियां हैं। और आचार संहिता लगने के बाद भी जिस तरह की फंक्शनिंग है, जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद उल्लंघन के आरोपों से घिर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी को आशंका है कि सरकार में बने रहते हुए मुख्यमंत्री आचार संहिता को प्रभावित करेंगे, साथ ही साथ पूरे इस चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले फैसले ले सकते हैं, इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। बिल्कुल प्रशांत, बने रहे हमारे साथ। तो अब जबकि आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की तारीख यहां पर घोषित हो चुकी है, बहुत बड़ी परीक्षा है, बहुत बड़ी माथापच्ची है प्रत्याशियों के नाम के चयन को लेकर। तो फिलहाल कांग्रेस का कहना है कि उसने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं नाम, 85 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं और जिनके नाम जल्द से जल्द तय हो जाएंगे, यानी कि जो विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को उतारेंगे उसके लिए नाम तय हो जाएंगे। हालांकि मुश्किल यही है कि कांग्रेस के अंदर भी एक एक सीट के कई कई दावेदार सामने आ रहे हैं, तो पीडीएफ को लेकर भी स्थिति साफ की है कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सत्ता में जिस तरह से साथ दिया है पीडीएफ ने, तो अभी चुनाव के वक्त भी पीडीएफ और कांग्रेस साथ साथ रहेंगे। कैसे हम सांप्रदायिक और उत्तराखंड विरोधी ताकतों को उत्तराखंड से बाहर कर सकते हैं, इस पर चर्चा हुई है। और जो हमारे पास जितने आवेदन आए हैं, जिसमें लगभग जो हमने उसमें स्क्रूटनी करके सॉर्ट आउट किए हैं, लगभग 4-4.5 सौ जो लोग कांग्रेस के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, उन पर अभी हम लोगों ने शुरुआती दौर की जो है वो चर्चा की है, मंथन किया है। अभी उसमें 6 लोगों पर भी पूरी चर्चा नहीं हो पाई। 85 ग्रामों पर सहमति बनी है और 20 ग्रामों पर हमने और विचार किया है, और सभी नामों का हमने जितने लोगों ने आवेदन किया है, बल्कि कुछ साथियों के नामों को तो आवेदन से बाहर भी हमने विचार किया है। कोई कंपार्टमेंटलाइज अप्रोच नहीं है, न पीडीएफ को लेकर के है, न कोई और सवाल है। पेरोल जो अधिकार है राज्य सरकार का, अधिकार सम्मत तरीके से ही दिया गया है। पेरोल की व्यवस्था क्यों दी गई है उसको समझना चाहिए, और वो कसम खा करके कहें कि उन लोगों ने पेरोल नहीं दी है। देहरादून से बने हुए हैं प्रशांत, नामों को लेकर मंथन चल रहा है। जिस तरह से यहाँ पर संगठन ने कहा था, किशोर उपाध्याय ने कहा था कि जो जो आवेदन करना चाहता है वो दे दे, तो हमने देखा था कि विधायक और मंत्रियों के नाम उसमें नहीं थे। तो क्या ऐसे में जिन 85 नामों का जिक्र कर रहे हैं हरीश रावत, तो क्या लगता है कि इतना आसान है नाम फाइनल करना? देखिए प्रीति, ये जो अभी बयान दिए जा रहे हैं कि सांप्रदायिकता के खिलाफ सभी एकजुट हैं और नाम फाइनल किए गए हैं, ये सिर्फ जनता को बताने के लिए है, सिर्फ जनता में किसी तरह से पार्टी को लेकर गलत संदेश नहीं जाए, सिर्फ ये सुनाने के लिए है अंदर की स्थिति क्या है, एन चुनाव घोषित होने से पहले तक किस तरह से संगठन और सरकार में रार रही, पीडीएफ को लेकर अभी भी कोई फैसला हो नहीं पाया है। किशोर उपाध्याय अब भी यही कह रहे हैं कि सभी 70 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। मुख्यमंत्री अलग कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का अलग कहना है कि पीडीएफ के प्रति वो अपना सॉफ्ट रुख दिखा रहे हैं, और अब कहा जा रहा है सिर्फ कि नाम तय हो गए हैं, कौन से 50 नाम है, कौन से 85 नाम है, इनका कुछ पता नहीं है। कुछ चेहरों को छोड़ दें तो कांग्रेस में हर सीट पर बेहद विकट स्थिति है, दावेदारों की लंबी फौज खड़ी है। ऐसे में नाम तय हो गए हैं, आला कमान के साथ कोई ऐसी बैठक हुई नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 11 तारीख को बैठक होगी सोनिया राहुल की, उसके बाद नाम फाइनल किए जाएंगे। तो ये सिर्फ बताने के लिए कार्यकर्ताओं को और जनता को कि हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, अंदर की क्या स्थिति है ये बहुत बेहतर नहीं है। हमारे साथ पंकज है, हमारे ब्यूरो चीफ, उनसे हम बात करेंगे। पंकज, ये बताइए, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि हमारे तमाम नाम फाइनल हो गए हैं, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो कल की जो बैठक इनकी स्क्रूटनी कमेटी की हुई थी, उसमें हरीश रावत और किशोर उपाध्याय के बीच में तो हॉट टॉक हुई, वो अपने आप में साफ बताने के लिए है कि कांग्रेस में संगठन और सरकार के बीच में एका नहीं है। हरीश रावत भले ही कह रहे हो कि 50 सीटों में लगभग फाइनल हो चुका है, लेकिन किशोर उपाध्याय कई चीज़ों पर उनकी मीन में एक निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से हरीश रावत काफ़ी नाराज़ हैं। कल जिस तरीके से स्क्रूटनी कमेटी की बैठक में एक दूसरे के साथ हॉट टॉक हुई है, उसमें पीडीएफ के मुद्दे को लेकर भी साफ तौर पर बातचीत हुई, जिसमें
किशोर उपाध्याय ने साफ तौर पर कहा कि उसमें उनको रुख साफ करना चाहिए और हम वहां पर अपने कांग्रेसियों को चुनाव लड़ाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी स्थितियां ऐसी भी नहीं है जैसे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल शांत प्रभाव से और बिल्कुल हर चीज बिल्कुल सेटल डाउन हो रही है, लेकिन अंदर खाने ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में एक बार फिर रार होने जा रही है। जिस तरीके से प्रचार वाहनों में किशोर उपाध्याय और संगठन का बिल्कुल भी चेहरा नहीं है, तो उससे साफ नजर आता है कि जो टिकट का जो भी मैनेजमेंट हो रहा है, जो भी तय हो रहे हैं, उसमें काफी कुछ अभी रार होनी बाकी है जी। साफ तौर पर यही बात है कि जो कहा जा रहा है अंदर वैसी स्थिति नहीं है, रार कहीं ना कहीं अभी भी बनी हुई है जी। प्रीति बिल्कुल, और ये होना ही है यहाँ पर प्रशांत, क्योंकि हमने देखा आवेदन के दौरान इतना मनमुटाव था तो अचानक सरकार संगठन मिलकर काम करने लगे, ऐसा होगा नहीं। आप बने रहे हमारे साथ, हमने आपको दिखाया कि कांग्रेस भले ही ये कह रही हो कि 85 नाम तय हो गए, लेकिन वहां अभी टिकटों को लेकर द्वंद खत्म नहीं हुआ है। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो उसका कहना है कि 10 जनवरी के बाद वो अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। फिलहाल कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियों में नाम तय करने को लेकर माथापच्ची जोरों पर चल रही है। चुनावों में टिकट के लिए तिकड़म तेज, टिकटार्थियों की भीड़ ने बढ़ाई पार्टी की मुश्किलें, कांग्रेस बीजेपी परेशान, किसको बाहर करें, किस पर हो जाए मेहरबान। एक अनार सौ बीमार, चुनावों में बढ़ती टिकटार्थियों की भीड़ ने पार्टियों के लिए ऐसे ही हालात पैदा कर दिए हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, 20 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी, वक्त कम है, इसलिए दावेदार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तो ये लगभग तय हो चुका है कि सरकार के बुरे वक्त के साथ ही विधायकों पर पार्टी की मेहरबानी बनी रहेगी। खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत इशारा कर चुके हैं कि 70 में से 50 नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी स्क्रीनिंग कमेटी के सामने मुश्किलें ये हैं कि 200 उम्मीदवारों पर अभी भी चर्चा होनी बाकी है। एक एक सीट पर 25-25 दावेदार हैं। हमको भी मालूम है कि 30-32 सीटों पर उनके उम्मीदवार तय हैं, और उनको भी मालूम है कि 48 सीटों पर 48-50 सीटों पर हमारे उम्मीदवार तय हैं। बिल्कुल, ये केवल 20-21 सीटों पर जो है एक दूसरे की रणनीति को देखने का हम इंतजार करेंगे। हम वेल इन एडवांस जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। राजनीतिक दल बहुत सी चीज़ों को सोच समझ करके निर्णय लेते हैं, और मेरे ख्याल से हम भारतीय जनता पार्टी से तो बहुत सी आगे हैं इसमें। इधर सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने ज्यादातर सीटों के उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है, लेकिन कुछ सीटों पर दोनों दल अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, और इन सीटों पर दोनों दल एक दूसरे के उम्मीदवारों की घोषणा के इंतजार में हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उस जो उसके मापदंड बनाए गए हैं उन पर खरा नहीं उतरता है तो फिर उसको टिकट नहीं मिल पाएगा। वही व्यक्ति को टिकट मिलेगा जो सारे मापदंडों को पूरा करता हो। जो प्रदेश की चुनाव समिति है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसकी तिथियां तय हो जाएंगी, और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी उत्तराखंड की 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। मतलब 17 की जंग की रणनीति एक दूसरे के दांव पेच को देखकर तैयार की जा रही है। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दल अब मंथनों में जुट गए हैं कि टिकटों का बंटवारा कैसे किया जाए। हालांकि सूत्र बताते हैं कि दोनों पार्टियों में ज्यादातर टिकटों पर सहमति बन चुकी है, और जल्द ही मकर संक्रांति के अवसर पर टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इन टिकटों के मार्फत सत्ता की गलियारे तक कौन पहुंचता है। कैमरामैन गौरव पंत व रूपेश नेगी के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। तो चलिए, अब क्योंकि वक्त कम है तो ऐसे में भले कितना मनमुटाव हो लेकिन नाम तो तय करने ही होंगे, और फिलहाल बीजेपी कांग्रेस ही कर रही है। और बात करें चुनाव प्रचार की तो यह मुद्दे के बजाय एक दूसरे पर आरोपी ज्यादा नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जहां केंद्र को घेर रही है तो वहीं बीजेपी के पास यहां आरोपों का अंबार लगा है। चुनावों में एक दूसरे को बेपर्दा करने की होड़, कांग्रेस उठाएगी केंद्र की उपेक्षा का मुद्दा, तो बीजेपी सरकार के घोटालों को बनाएगी चुनावी हथियार। 17 के संग्राम में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को पछाड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। चुनावी दंगल फतेह करना दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। दल बदल, नैतिकता, सुचिता के सहारे संग्राम विजय करने की तैयारी है। इन दलों को पलायन, स्थायी राजधानी और विकास के रोडमैप की बात कम, और आरोप प्रत्यारोप पर यकीन ज्यादा रहेगा। विपक्षी दल बीजेपी ने अपने तीर तलवार तेज कर लिए हैं।
इस चुनाव में बीजेपी जनता से पूछ रही है, क्या खरीद फरोख्त और भ्रष्टाचार करने वालों को सत्ता में रहने का हक है? सब कुछ आप करोगे, खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाओगे हम पर, आरोप लगाओगे हम पर, और पकड़े जाएंगे आप, मुख्यमंत्री जी खुद पकड़ेंगे, सीबीआई झेल रहे हैं। अगर बीजेपी चुनाव में आरोपों के भरोसे है तो कांग्रेस भी कुछ कम नहीं। सत्ताधारी होने के बाद भी काम के नाम पर नहीं, बीजेपी पर राष्ट्रपति शासन लगाने के आरोपों के सहारे चुनाव लड़ेगी। उन्होंने लोकतंत्र पर यहाँ जो घाव किए हैं, हत्या की है, सरकार गिराई है, तो उत्तराखंड की जनता के सामने इस समय अवसर है कि इस तरह की काली ताकतों को जवाब दे, और हत्या का जो है 302 में मुकदमा चलता है, तब जज सजा सुनाता है, तो उत्तराखंड का मतदाता जज है। मतलब इस चुनाव में काम की चर्चा कम, आरोपों की बौछार ज्यादा होने वाली है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच जनता को जिस घड़ी का इंतजार था वो करीब आ गई है। अब खाता बही रखना होगा, सब हिसाब देना होगा, जन अदालत में हर किए का जवाब देना होगा। कैमरामैन गौरव पंत के साथ में प्रशांत राय, समाचार प्लस, देहरादून।